19 नवंबर को विश्व कप क्रिकेट का फाइनल हुआ था और उस दिन उस फाइनल में भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया ने पराजित किया था। वो हार बहुत निराशाजनक थी और वर्ल्ड कप की हार के बाद भारतीय जो खेल प्रशंसक हैं, क्रिकेट प्रशंसक हैं, वो निराशा में डूब गए थे। तो उस दौर से बाहर निकाल कर जो है सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में एक युवा टीम आती है और वो ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम को पराजित करती है और उससे जो है एक मुस्कान जो भारतीय खेल प्रशंसक हैं उनके होठों पर जरूर तैर गई है। जी हाँ, अब आप समझ गए होंगे मैं बातें कर रहा हूं जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज हुई उसकी, जहां आखिरी मैच में भी भारत ने 6 रनों की रोमांचक जीत दर्ज की। तो निराश हो चुके खेल प्रशंसकों के होठों पर सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में कैसे मुस्कान आई, आज यही बताऊंगा और इस सीरीज से जो आउटकम निकले हैं उनके बारे में आपसे चर्चा करूंगा। लेकिन पहले बता दूं कि आप देख रहे हैं न्यूज बाई स्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। आपको याद होगा 19 नवंबर की वो रात जब रोहित शर्मा आंखों में आंसू लिए बोझिल कदमों के साथ पवेलियन की ओर मैच खत्म होने के बाद लौटे थे। आपको याद होगा विराट कोहली कैप से अपना चेहरा ढक रहे थे। आपको याद होगा मोहम्मद सिराज मैदान पर फूट फूट कर रो रहे थे और जसप्रीत बुमराह उन्हें चुप करने का प्रयास कर रहे थे, असफल प्रयास। आपको याद होगा केएल राहुल मैच खत्म होने के बाद 19 नवंबर की रात घुटनों के बल जमीन पर बैठ गए थे। तो एक निराशा का दौर था। शानदार प्रदर्शन के बाद सिर्फ एक हार ने भारतीय टीम और उनके जो खेल प्रशंसक हैं, फैंस हैं क्रिकेट के, उनके दिल तोड़ दिए थे और उन्हें निराशा के गर्त में डुबो दिया था। उसके बाद तुरंत भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 T20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज थी। इस सीरीज में बेहतर करना एक बड़ी चुनौती थी टीम के लिए, क्योंकि उस वक्त जो माहौल था वो बहुत निराशाजनक था। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलियाई टीम थी जो जीत से उत्साहित थी और इस T20 सीरीज के लिए उसके पास विश्व कप में खेले कुछ चुनिंदा और बेहतरीन खिलाड़ी इस T20 सीरीज के लिए मौजूद थे। आप अगर बात करें तो स्मिथ वहां पर थे, मैक्सवेल वहां पर थे, जोश इंग्लिश वहां पर थे, स्टोइनिस वहां पर थे, एबॉट यहां पर थे। तो ऑस्ट्रेलिया की टीम एक मजबूत टीम थी। ट्रेविस हेड थे उस टीम में जिन्होंने फाइनल में अपने शानदार प्रदर्शन से भारतीय टीम को शिकस्त झेलने पर मजबूर किया था। दूसरी तरफ भारतीय टीम थी फाइनल की हार से निराश। एक नया कप्तान, क्योंकि हार्दिक पांड्या फिट नहीं हो पाए थे, सूर्य कुमार यादव के हाथों में कप्तानी, एक नया कोच वीवीएस लक्ष्मण और चुनौती सामने ऑस्ट्रेलिया की। लेकिन तारीफ बनती है यहां पर भारत की यूथ ब्रिगेड की, यंग गन्स की, जिन्होंने अपने निशाने पर ऑस्ट्रेलिया को लिया। विश्व कप के फाइनल में मिली हार का जख्म ऐसा है जो जल्द तो नहीं भरेगा, लेकिन आप कह सकते हैं कि एक मरहम लगाने का काम इस युवा ब्रिगेड ने तो अवश्य किया है। तो कैसे कर दिया भारतीय युवा टीम ने ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम का ऑलमोस्ट सफाया, क्योंकि इन 5 मैचों में ऑस्ट्रेलिया की टीम सिर्फ एक मैच जीत सकी और 4 में उसे हार का सामना करना पड़ा। तो अगर हम उन 5 चीजों को देखें जिसकी वजह से भारत की युवा टीम ने ऑस्ट्रेलिया का शिकार किया और भारतीय खेल प्रशंसकों को मुस्कुराने का अवसर दिया, तो आपको बताऊं इसमें जो पहली तारीफ बनती है वो टीम मैनेजमेंट की बनती है, कप्तान की बनती है, कोच की बनती है, और इसके लिए सूर्य कुमार यादव और वीवीएस लक्ष्मण बधाई के पात्र हैं। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई और जो एक निराशा थी तो अपने खिलाड़ियों को वो ये विश्वास दिलाने में सूर्य कुमार यादव कामयाब रहे कि देखिए जो चीज़ें हो चुकी उसे भूल जाइए, ये आगे का समय है, सामने जो है T20 का विश्व कप है जून के महीने में और हमें उस लिहाज से तैयारी करनी है। उन्होंने कहा कि देखिए वक्त बदला है,
हमारे खेलने का अंदाज नहीं बदलेगा, फॉर्मेट बदला है, हमारे खेलने का अंदाज नहीं बदलेगा। और यही काम भारत की इस युवा टीम ने इस 5 T20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज के दौरान मैच दर मैच किया। हार का डर अपने दिल से निकालकर फेंक दिया। यही वजह है कि तीसरे T20 इंटरनेशनल में भारत को हार का सामना भी करना पड़ा, लेकिन उस हार के बाद भी भारत की युवा टीम ने अपने खेलने का अंदाज नहीं बदला। अंदाज क्या था? निराला अंदाज, निडर अंदाज, बेखौफ क्रिकेट, दिलेरी के साथ भारत की युवा टीम ने प्रदर्शन किया पूरी सीरीज के दौरान, और यह भारतीय जीत की सबसे बड़ी वजह है। तो टीम मैनेजमेंट, चाहे वो सूर्य कुमार यादव हो, कोच VVS लक्ष्मण हो, वो बधाई के पात्र हैं। अर्शदीप आखिरी ओवर फेंकने के बाद कहते हैं कि सूर्या भाई ने मुझसे कहा कि जो होना है होगा, तुम गेंद फेंको। ये जो कॉन्फिडेंस उन्होंने खिलाड़ियों को दिया। इसके अलावा तीसरा T20 हारने के बाद जब सूर्य कुमार यादव सामने आते हैं और प्रेजेंटेशन में ये बातें कहते हैं और कि इस हार के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है, एक बुरा दिन था, ये चीजें कहकर जब वो निकल जाते हैं तो वो उन्हें कप्तान से लीडर की तरफ लेकर जाता है, तो सूर्य कुमार यादव की तारीफ बनती है। और अच्छी बात ये थी कि डगआउट में बहुत ही कूल, शांत VVS लक्ष्मण मौजूद थे। और आपको बताऊं कि जितेश शर्मा ने जिस तरह की पारी खेली वो लक्ष्मण के स्वभाव के विपरीत है, लेकिन जितेश शर्मा कहते हैं कि लक्ष्मण भाई ने मुझसे कहा कि आप वैसे ही खेलिए जैसे आप खेलते हैं, जहां आप कंफर्टेबल हैं। और यही मैनेजमेंट का काम है कि इतने हाईएस्ट लेवल पर आप कह लीजिए कि आप खिलाड़ियों को खेलने का तरीका नहीं बताते, आप उन्हें मेंटली प्रिपेयर करते हैं, और इसमें टीम मैनेजमेंट पूरी तरह से सफल रही। तो ये दो चीजें हो गई, टीम मैनेजमेंट की सफलता, दूसरी बात टीम बदली थी, पैटर्न बदला था, लेकिन जो मैच खेलने का तरीका था वो बिल्कुल एक जैसा था, तो फॉर्मेट बदलने का कोई भी फर्क जो है भारतीय टीम पर नहीं पड़ा। इसके बाद हम तीसरी बात करेंगे, तो भारतीय स्पिनर्स ने इस पूरी सीरीज में कमाल का प्रदर्शन किया, और इसका अंदाजा आप बस इससे लगा सकते हैं कि रवि विश्नोई प्लेयर ऑफ द सीरीज चुने गए हैं। 9 विकेट लिए उन्होंने 5 मैच में, कमाल का प्रदर्शन हर मैच में। अगर आप पहले मैच को छोड़ दें, और ये भी बातें रवि विश्नोई खुद कहते हैं कि पहले मैच में मैं उतनी अच्छी गेंदबाजी नहीं कर सका, उसके बाद हर मैच के साथ वो बेटर होते गए, और साथ में अक्षर ने लय पकड़ी, और आखिरी 2 मैचों में आप उनकी गेंदबाजी देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि अक्षर ने गेंदबाजी में अपनी लय प्राप्त कर ली है। वो कुछ धीमी गेंदें भी डाल रहे हैं ताकि गेंद कुछ करे। तो भारतीय स्पिनर्स का शानदार प्रदर्शन रहा, और मुझे लगता है कि इन दोनों स्पिनर्स ने कंगारू बैटर्स को स्पिन का एक पाठ पढ़ाया है कि स्पिन को आपको खेलना अभी नहीं आता, और एक तरह से आप कह लें कि एक होमवर्क दे दिया है कि अब आप जाइए और सीखिए कि स्पिन के खिलाफ कैसे बल्लेबाजी की जाती। मुकेश कुमार की भी बात जरूर करूंगा। मुकेश कुमार इस सीरीज के दौरान जो है उनकी शादी भी हुई, और इसी वजह से वो तीसरा T20 इंटरनेशनल नहीं खेल सके। और दिलचस्प बात ये कि जिस मुकाबले में मुकेश नहीं खेले वही मुकाबला भारतीय टीम हारी, तो मुकेश कुमार भारत के लिए बहुत लकी साबित हुए। तो आप लकी मुकेश भी कह सकते हैं कि जिन मैचों में भी वो खेले उसमें भारतीय टीम जीती। लेकिन लक सिर्फ ऐसा नहीं है कि उनकी किस्मत के भरोसे आया, उनकी मेहनत की भी हम बात करेंगे कि जिन मैचों में उन्होंने प्रदर्शन किया है, खेला जिन मैचों को, उसमें बेहतरीन गेंदबाजी भी की। अगर आप पहला मैच याद करें तो आखिरी ओवर में उन्होंने सिर्फ 5 रन खर्च किए थे, और वही भारतीय जीत का कारण बन गया था। इसी तरह से जो आखिरी मुकाबला हुआ, जब लग रहा था कि ऑस्ट्रेलियाई टीम निश्चित जीत की ओर बढ़ रही है, तो 2 गेंदों पर 2 विकेट लेकर उन्होंने मैच का नक्शा ही बदल दिया, मैच पूरी तरह से पलट दिया। तो ये बातें जो है मुकेश के फेवर में जाती हैं, और निश्चित तौर पर इस ये जो सीरीज हुई आपको 5 मैचों की T20 की, उसमें मुकेश का प्रदर्शन बेहतरीन रहा।
और जब बेहतरीन प्रदर्शन की मैं बात कर रहा हूं तो आपको रिंकू सिंह की तारीफ करनी पड़ेगी। अंडर प्रेशर कैसे बल्लेबाजी की जाती है ये चीज रिंकू सिंह ने दिखाई और मुझे लगता है सिखाई भी। अगर आप रिंकू सिंह को देखें तो जो भारत ने 208 रन चेज किए थे पहले T20 इंटरनेशनल में, सामने से विकेट गिर रहे थे लेकिन एक छोर पर खड़े होकर जिस तरह से रिंकू ने जीत दिलाई है वो काबिले तारीफ है और बताता है कि वो फिनिशर हैं। और उन्होंने इस बात को स्वीकार भी किया कि धोनी ने जो उन्हें टिप्स दिए थे वो उनके बहुत काम आई है। तो रिंकू सिंह ने बहुत प्रभावित किया। आप देखिए यशस्वी जायसवाल का बेखौफ अंदाज, जिन मैचों में भी यशस्वी जायसवाल ने एक स्टार्ट दे दिया, मतलब कि 4-5 ओवर खेल लिए, वो मैच भारत नहीं हारा क्योंकि उन्होंने बड़ी तेजी के साथ रन बनाए, उनका स्ट्राइक रेट जबरदस्त रहा। तो ये जो बेखौफ बल्लेबाजी हुई, सूर्य कुमार यादव को जहां मौका मिला उन्होंने स्कोर किया, हालांकि कुछ अवसर वो गवा बैठे। श्रेयस अय्यर ने फिनिश कर दिया, आखिरी मैच में शानदार अर्धशतक लगाया। तो कंप्लीट एक टीम एफर्ट जो है आपको देखने को मिला ये जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत की सीरीज हुई उसमें। इसके अलावा अगर हम बात करें जिसकी की तारीफ बनती है, वो बनती है कि जो ये भारत के युवा खिलाड़ी हैं ना वो मेंटली टफ दिखे। अंडर प्रेशर जो उन्होंने प्रदर्शन किया है उसकी आप जितनी प्रशंसा करें वो कम है। इस युवा टीम ने 208 रनों का बड़ा लक्ष्य भी चेज कर लिया और 160 जैसे छोटे स्कोर को भी, वो भी बेंगलुरु में डिफेंड कर लिया। तो ये बताता है इस टीम का कैरेक्टर, इस टीम के खिलाड़ियों का कैरेक्टर, और ये एक बड़ी बात है। दबाव के क्षण आए तो कभी रिंकू सिंह निकलकर सामने आ गए, तो कभी जो है भारतीय गेंदबाज अर्शदीप सिंह, जिनका कि बहुत अच्छा सीरीज नहीं गया लेकिन आखिरी ओवर में जब 10 रन चाहिए थे और सामने मैथ्यू वेट जैसा खिलाड़ी खड़ा था, तब अर्शदीप ने शुरू की दो गेंदें डॉट डालकर तीसरी गेंद पर जो वेड है उनका विकेट निकाल लिया और आप समझिए कि इस मैच को पूरी तरह से भारत के पक्ष में कर दिया। 10 रन चाहिए थे जीत के लिए ऑस्ट्रेलिया को, उन्होंने सिर्फ 3 रन खर्च किए और भारतीय टीम 6 रन से 5वां T20 इंटरनेशनल भी जीत गई। तो इस टीम ने इस सीरीज के दौरान जो है अपने प्रदर्शन से भारतीय खेल प्रशंसकों के चेहरे पर मुस्कान लाई है, खुशी लाई है, चेहरों पर एक मुस्कान तैरी है भारतीय खेल प्रशंसकों के होठों पर। तो ये जो है इन खिलाड़ियों की वजह से दौड़ी है। इन युवा खिलाड़ियों का भविष्य जो है वो उज्जवल दिखता है। अब जो है T20 का वर्ल्ड कप जून के महीने में होना है, ऐसे में इनमें से कुछ युवा खिलाड़ी जरूर उस विश्व कप में खेलते हुए नजर आएंगे, इसकी की संभावना है। वैसे जो अगला चैलेंज है इस युवा टीम के लिए वो दक्षिण अफ्रीका का है। अपने घर में तो आपने काम कर लिया, अब विदेश में जाकर आप कैसा प्रदर्शन करते हैं, वो भी दक्षिण अफ्रीका जैसे देश में जहां विकेट पर बाउंस होगा, वहां पर किस तरह से ये खिलाड़ी प्रदर्शन करते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। और अगर वहां की परीक्षा में ये खिलाड़ी उत्तीर्ण हो जाते हैं तो समझिए भारतीय क्रिकेट का भविष्य जो है वो सुरक्षित हाथों में जाने वाला है। तो भारत की इस युवा ब्रिगेड को और भारतीय क्रिकेट टीम को हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एकतरफे 4-1 की जीत पर बहुत सारी बधाई। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।